हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोड एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड हमारा एक वायर का पीस होता है, या मेटल का पीस होता है, या एलॉय का पीस होता है, जो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रोड दिखाई देता है। ये किसी भी वायर का पीस हो सकता है, वायर पीस, एलॉय या मेटल। इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल नॉर्मली हम लोग हीट जनरेट करने के लिए करते हैं आर्क वेल्डिंग में। तो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल हम लोग टू प्रोड्यूस हीट इन आर्क वेल्डिंग में हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये इलेक्ट्रोड दो प्रकार का होता है, एक होता है कंज्यूमेबल और एक होता है नॉन कंज्यूमेबल। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड कौन से होते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होते हैं, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड ही हमारा फिलर का काम करते हैं। जैसे ही पावर सोर्स ऑन किया हमने और जैसे ही हमने अपने इलेक्ट्रोड को वर्कपीस से टच किया तो शॉर्ट सर्किटिंग के कारण यहाँ पे आर्क जनरेट होता है, जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होती है। तो दो मेटल्स को अगर हमको जोड़ना है तो जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वही फिलर का काम करता है, और वही दो मेटल पीसेस के बीच जो गैप होता है उसको फिल करता है। यानी जो हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो हीट होता है, हीट होने के बाद वही मेल्ट होता है, और मेल्ट होने के बाद जो गैप होता है दो मेटल्स के बीच में, जहां पे हमें फिलिंग करनी होती है, जहां पे हमें वेल्डिंग करनी होती है, तो यही हीट होने के बाद वहां पे मेल्ट हो जाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम लोग कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो बेयर होते हैं। बेयर का मतलब होता है इस पे कोई कोटिंग नहीं होती है, बेयर हो सकते हैं और कोटेड हो सकते हैं। कोटेड का मतलब इसके ऊपर, ये जो हम इलेक्ट्रोड देख रहे हैं इसके ऊपर एक कोटिंग होती है, फ्लक्स की कोटिंग हम लोग इसलिए करते हैं कि जो भी एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उससे हम बच सकें, हमारा जो वेल्ड ज्वाइंट है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक गैसेस को ट्रैप करने से बचा सकें। तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉर्मली कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में जो मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, मटेरियल्स की अगर बात करूं मैं इसमें, मटेरियल्स, तो मटेरियल्स में हम लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम लोग कास्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर, स्टील, कास्ट आयरन, उसके बाद हम लोग ब्रास का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रास, ब्रॉन्ज और एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल करते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स में अगर हम मटेरियल की बात करें, क्या मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो कॉपर, स्टील, कास्ट आयरन, ब्रास, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, ये सारे मटेरियल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड में दूसरे प्रकार का इलेक्ट्रोड कौन सा होता है। तो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कंज्यूमेबल का मतलब होता है वो वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाता है, यूज हो जाता है, फिलर का काम वही करता है। नॉन कंज्यूमेबल में इलेक्ट्रोड हमारा कंज्यूम नहीं होता है, नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड में अगर मैं मटेरियल यूज की बात करूं तो इसमें हम लोग कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट जो है ये मुख्य रूप से हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल डीसी वेल्डिंग में करते हैं।
कार्बन और ग्रेफाइट का मुख्य रूप से इस्तेमाल हम डीसी वेल्डिंग में करते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट को हम लोग एसी वेल्डिंग में यूज नहीं करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं टंगस्टन की बात करूं तो टंगस्टन का जो इलेक्ट्रोड होता है इसे हम लोग एसी या डीसी दोनों वेल्डिंग में हम लोग इसे यूज करते हैं। और जैसा कि मैंने पहले डिफाइन किया था, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, इसका मतलब ये केवल आर्क प्रोड्यूस करता है, इसमें जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूम नहीं होता है, तो यहाँ पे हमें फिलर मटेरियल अलग से यूज करना पड़ता है। तो नॉर्मली जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड वाले जो भी वेल्डिंग प्रोसेसेस हैं उसे हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड की सहायता से जो भी वेल्डिंग प्रोसेसेस किए जाते हैं उसे हम लोग मेटल आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, मेटल आर्क वेल्डिंग। और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यानी कार्बन, ग्रेफाइट और टंगस्टन की सहायता से जो भी वेल्डिंग की जाती है उसे हम लोग या तो कार्बन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं या टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं। इन वेल्डिंग्स को हम लोग, जिसमें नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है, उसे हम लोग कार्बन आर्क वेल्डिंग या टंगस्टन आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन। चलिए देखते हैं स्पेसिफिकेशन। नॉर्मली कोई भी इलेक्ट्रोड जिससे हम लोग वेल्डिंग करते हैं उस पर एक नंबर लिखा होता है उस इलेक्ट्रोड पे, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है, E1 2 1। इसमें से कोई एक होता है 3 2 1, जो मैं लिख रहा हूं 3 2 1, और इसके बाद E। इस प्रकार की एक नंबरिंग रहती है हमारे इलेक्ट्रोड पे। ये नजदीक लिखा होता है, मैंने जानबूझ के दूर लिखा है जिससे कि मैं पर्टिकुलर एक एक डिजिट को समझा सकूं अच्छे से। नॉर्मली ये लिखा रहता है E1213P, या नॉर्मली जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं E7018, E6018, जिससे कि हम लोग काफी अच्छी वेल्डिंग प्राप्त करते हैं। तो नॉर्मली इसे मैं डिनोट करता हूं, इसको मैं 1 बोल देता हूं, इसको 2, इसको 3, इसको मैं 4 से डिनोट करता हूं, इसको 5 से, और इसे 6 से। चलिए अब देखते हैं ई का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट फर्स्ट की बात करते हैं ई का मतलब, तो फर्स्ट को इसका मतलब, फर्स्ट का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये किस प्रोसेस से बनाया हुआ है, टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग क्या है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग। ई का मतलब ये एक्सट्रूशन से बनाया हुआ है, ई का मतलब है ये इलेक्ट्रोड एक्सट्रूशन प्रोसेस से, एक्सट्रूशन प्रोसेस से बनाया हुआ है। अगर यही ई की जगह आर होता तो एक्सट्रूशन विथ री इन्फोर्समेंट कहलाता। चलिए अब सेकंड देखते हैं, इस फर्स्ट डिजिट का मतलब क्या होता है, यानी अगर सेकंड की बात करें हम तो इसका मतलब होता है टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, किस प्रकार की कोटिंग हमने की है अपने इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रोड हो गया, ये इलेक्ट्रोड वायर हो गया हमारा। अब इस इलेक्ट्रोड वायर के ऊपर ये जो हम देख रहे हैं यही मेन वायर गया है ऐसे। अब इसके ऊपर ये फ्लक्स की कोटिंग है, इस वायर के ऊपर ये फ्लक्स की कोटिंग है। अगर इस फ्लक्स की कोटिंग को हटा देंगे तो ये बेयर इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ये बेयर बेयर पार्ट है इलेक्ट्रोड का, और ये कोटेड।
ये जो डिजिट है हमारा वन, ये बताता है कि किस प्रकार की फ्लक्स की कोटिंग है, टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग, टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग। उसके बाद इस डिजिट पे पहुंचते हैं जिसे हमने 3 से डिनोट किया है। इसका मतलब ये होता है कि पोजीशन ऑफ वेल्डिंग क्या रहेगी। 3 का मतलब है, इस 3 का मतलब है यहां पे जो डिजिट है हमारा ये, इसका मतलब है पोजीशन ऑफ वेल्डिंग। किस पोजीशन में हमने पर्टिकुलर मटेरियल को वेल्ड किया है, पोजीशन। तो पोजीशन में जैसे हमारे पास मान लीजिए अगर ये 0 रहता, जैसे यहां पे 2 लिखा हुआ है, 0 रहता, 1 रहता, 2 रहता, तो जैसे यहां पे 2 लिखा हुआ है तो 2 का मतलब है कि या तो इसे हम लोग फ्लैट वेल्डिंग कर सकते हैं या तो हम लोग हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पोजीशंस या पोजीशंस ऑफ वेल्डिंग में मैंने बताया हुआ है फ्लैट कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल कैसा होता है। अगर यहीं पे 0 होता तो इसका मतलब फ्लैट भी किया जा सकता है इसे, हॉरिजॉन्टल भी किया जा सकता है इसे, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड और ओवरहेड से भी किया जा सकता है। उसी तरह से जैसे अगर 1 है तो 1 को फ्लैट भी किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल भी किया जा सकता है, ओवरहेड भी किया जा सकता है। इस प्रकार से पोजीशन ऑफ वेल्डिंग फॉर डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट 4th पे अगर हम आए, 4th का मतलब है पोलैरिटी क्या है। जैसा हमने स्ट्रेट पोलैरिटी, रिवर्स पोलैरिटी पढ़ी थी तो उसी तरह से ये पोलैरिटी बताता है किसकी पोलैरिटी क्या है। तो 1 है, 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है डी प्लस, और डी प्लस का मतलब होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। डी प्लस का मतलब ये, इसे हम लोग ये रिवर्स पोलैरिटी का केस है, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हमारा रिवर्स पोलैरिटी में होता है, इलेक्ट्रोड पॉजिटिव। तो पोलैरिटी कैसी है, फोर्थ वाला पॉइंट हमको पोलैरिटी बताएगा। ये डिजिट क्या है, ये पोलैरिटी बताएगा हमको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 5th। 5th में जो 3-2-1 लिखा हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रोड की स्ट्रेंथ कैसी है। तो ये हमें बताएगा स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड, स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड। इसमें जैसे 3-2-1 है तो 3 का मतलब हो गया टेंसाइल स्ट्रेंथ, 3 का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी 3 है इसका मतलब 300 मेगा पास्कल, लगभग 300 मेगा पास्कल, 300 मेगा पास्कल। नॉर्मली ये जो 2 है ये इल्ड स्ट्रेंथ बताता है, इल्ड स्ट्रेंथ। तो इसका मतलब हो गया 2 का मतलब 200 मेगा पास्कल, 200 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ। उसके बाद ये जो लास्ट 1 है डिजिट हमारा, ये परसेंटेज इलोंगेशन बताता है। तो 1 का मतलब 1% इलोंगेशन है, 1 का मतलब हो जाएगा, यहां पे देख लेते हैं हम इस 1 का, 1% इलोंगेशन हो सकता है हमारे इलेक्ट्रोड में। उसके बाद लास्ट जो हमारा 6th है, 6th जिसे हमने P से डिनोट किया है, P का मतलब होता है, ये कोई स्पेशल इंफॉर्मेशन हमारे इलेक्ट्रोड के बारे में बताता है कि ये जो हमारा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है ये किसी स्पेशल पर्पज से बना हुआ है। तो P का मतलब होता है डीप पेनिट्रेशन, यहाँ पे P stands for deep penetration। तो ये जो इलेक्ट्रोड हमारा बनाया गया है ये deep penetration के लिए बनाया गया है, deep penetration। Special purpose में आता है ये जो last वाला एक particular, normally electrodes में यहीं तक दिया रहता है, यहीं तक।
पी जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो नॉर्मली इसको नहीं देते हैं, बट कुछ केस में मैन्युफैक्चरर्स स्पेशली इसको इंडिकेट करते हैं देकर के कि ये हमारा स्पेशल इंफॉर्मेशन है, तो इसे हम लोग डीप पेनिट्रेशन कहेंगे पी को। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, कंज्यूमेबल और नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रोड का स्पेसिफिकेशन देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।